IRF3205, ठीक, ये MOSFET है और सारे ही MOSFET यही है, IRF3205। हाय फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं UTL का सोलर SMU है, और मैंने आपको पहले बताया था कि सोलर SMU सोलर चार्ज कंट्रोलर की तरह काम करता है, मगर इन्वर्टर की तरह काम नहीं करता। अंदर इसको ओपन करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या जो है चार्जिंग MOSFET वगैरह क्या क्या देखने को मिलेगा। और मैं इसकी वारंटी वॉइड कर रहा हूँ, तो इसकी वारंटी खराब हो जाएगी स्टिकर हटाते ही। तो हम इसको ओपन करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या निकलेगा। हमने सारे स्क्रूज ओपन कर दिए, इसका ओपन करेंगे, ध्यान से ओपन करेंगे। इसमें डिस्प्ले के तार होंगे, वायर होंगे, ये आप देख सकते हैं। ये हमने इसके डिस्प्ले का वायर अलग कर दिया है, देख सकते हैं कनेक्टर, और इसमें कितने सारे वायर हैं आप देख सकते हैं, अलग अलग फंक्शन के लिए है। यहाँ पर डिस्प्ले ऑन या ऑफ, होल्ड का बटन यहाँ साइड में है, ये देख सकते हैं बटन है होल्ड का या कॉन्फिगर करने का, और उसका वायर यहाँ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है, आप देख सकते हैं ब्राउन ब्लैक वायर यहाँ पर आ रहा है। अब अंदर देखते हैं कि MOSFET या जो है इसको कंट्रोल करने के लिए कौन से ट्रांजिस्टर लगाए गए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने काफी मतलब एक तरह से काफी ज्यादा ओपन कर दिया, इसकी जो है वारंटी वाली सील भी जो है हटा दी, ठीक है, वारंटी में भी नहीं है, क्योंकि आप लोग कैसे ओपन करके दिखाऊं तो मुझे इतना करना ही पड़ा है ना, तो मैंने पूरा ओपन कर दिया सोलर SMU UTL का। और ये आप देख सकते हैं एक एक चीज ओपन कर दी, फ्यूज वगैरह सब अलग है। अब मैं पहुंच रहा हूँ धीरे धीरे कि MOSFET कौन से लगाए गए हैं, क्योंकि वो मेन चीज है। जो PCB देखें तो PCB डबल लेयर PCB पूरी तरह से नहीं है, कुछ जरूरी यहाँ पर कंपोनेंट ये है, ये रेगुलेटर IC वगैरह है, ठीक है। और देख सकते हैं आप लोग किस क्वालिटी की यहाँ पर सोल्डरिंग वगैरह की गई है। और अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस नंबर के MOSFET हैं, ठीक है, एक बार देखते हैं। अब देखिए हम पहुंच रहे हैं IRF3205, ठीक, ये MOSFET है और सारे ही MOSFET यही है, IRF3205। और कितने सारे हैं, ढेर सारे हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इधर हैं। और अगर हम इस तरफ देखें तो भाई इधर कितने हैं, और इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर भी इतने ही, मगर इधर वाले का जो नंबर है वो देखें तो IRF3205, ठीक, और इधर भी वाले का जो नंबर, इधर वाले MOSFET का जो नंबर था IRF3205, ठीक है, दोनों तरफ सेम MOSFET है। टोटल 12 MOSFET है, ठीक, टोटल 12 MOSFET लगाए गए हैं, 6 हीट सिंक पर, ठीक है। और दोनों ही इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये 40-50 एम्पियर तक बहुत आराम से वर्क करेगा। कूलिंग फैन नहीं लगाया गया है, क्योंकि शायद यहाँ पर कूलिंग फैन की जरूरत नहीं थी। आप देख सकते हैं जिस क्लोज चैम्बर में है ये, मतलब जिस लोहे के बॉक्स में रखा गया है सर्किट, हीट सिंक तो काफी बड़ी है, ठीक है ना, हीट सिंक काफी बड़ी है, 20 एम्पियर 40 एम्पियर के हिसाब से अगर हीट सिंक गर्म भी हो रही है, तो ये आप देख सकते हैं जिस बॉक्स में है यहाँ पर वेंटिलेशन है प्रॉपर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, पूरी तरह क्लोज नहीं है, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है वेंट्स, यहाँ से भी ओपन है, ये देख सकते हैं यहाँ से भी ओपन है, सब तरफ से ओपन। लगाने को फैन लगाया जा सकता था, लेकिन मेरे हिसाब से जो है इतना गर्म सोलर चार्ज कंट्रोलर कभी इतना गर्म होता नहीं है कि उसे बेसिकली जो हमें फैन की जरूरत पड़ती हो। बाकी अगर ये ओवर हीट हो जाए तो उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ये देख सकते हैं थर्मल सेंसर लगा दिया गया, हीट सेंसर, ये उसको कट कर देगा सर्किट को, इस तरीके से जुड़ा हुआ है ये ब्लू लाइन, है ना। और कैपेसिटर है, कैपेसिटर कुछ खास रेगुलेटर के लिए 63 वोल्ट का है, यानी कि कुछ खास किसी रेगुलेटर के हिसाब से लगाया गया है। और ये मैंने आपको दिखा दिया, जरूरत कीजिए ये रिले वगैरह मैंने आपको दिखाई, ये देखिए ना रिले है, और अंदर बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो आप लोग को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। ये कनेक्टर निकला हुआ है, ये शायद प्रोग्रामिंग का कनेक्टर है, इसको कोई प्रोग्राम चेंज करना हो कि बैटरी कितने वोल्ट पे जो है चार्ज हो जाए कट हो जाए, उस हिसाब से प्रोग्रामिंग के हिसाब से कनेक्टर दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर ये मैंने बताया आपको LED का इसका लगता है, इसका फ्रंट फेस का जो कवर है उसका कनेक्शन लगता है, और ज्यादा कुछ नहीं है इस कंट्रोलर में, ये अच्छी बात है क्योंकि जरूरत से ज्यादा कंपोनेंट की कोई जरूरत है नहीं यहाँ पर। और याद देख सकते हैं मेरा ये जो है एक साल से
मैंने आपको बताया काफी अच्छे से ये काम कर रहा है, कोई खास दिक्कत इसमें नहीं है, प्रॉपर वर्किंग है। और जो इसकी जो प्लेट है वो इसके मेटल कवर से एट ए डिस्टेंस पर है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हाफ हाफ इंच के थोड़े गैप करने के लिए लगाए हुए हैं। और ये प्लास्टिक का है, ये जो हमारा सॉकेट है, बाकी बॉडी मेटल की है और इस तरीके से ये है। और इसमें कुछ खास नहीं है, ये फ्यूज लगा हुआ है डीसी का 25-25 एम्पीयर के, ठीक है। ये भी है, ये लगा हुआ है, वायर भी काफी स्ट्रांग है, मोटे वायर यूज करें, 6 SQM का वायर है, ठीक है, 6 SQM का वायर यूज करा है डीसी में। एसी लाइन में भी काफी मोटा वायर है, 2.5 SQM का वायर है, ये वाला 4 SQM का वायर है। और इतना कुछ है, इसके पीछे कुछ खास नहीं है आईसी के, तो वरना मैं आपको दिखाता अगर कुछ खास होता है ना, इतना है। बाकी सामने से ऐसा है, 6 MOSFET इधर, 6 इधर, रेसिंग काफी बड़ी है। तो ये इस तरीके से मैंने ओपन करके आपको दिखाया, और पूरा ही ओपन करके मैंने आपको दिखा दिया जो हमारा UTL का 16 SMA था, ये सब इसके अंदर है। इस तरीके से यह है, चार्जिंग करते समय गर्म नहीं होता, ठीक, तभी यहाँ पर फैन नहीं दिया गया, फैन की जरूरत नहीं है। तो टोटल वीडियो अच्छी लगी ऐसी उम्मीद करते हैं, चैनल से बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, थैंक यू।